फ्लैश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा नमस्कार। जैसा कि आपने देखा हमारे कैमरे के माध्यम से अना सागर वेलफेयर मार्केट की तरफ से आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको इलाके के विधायक और पूर्व मंत्री नसीम खान जी ने उसको रद्द कर दिया है। कारण क्या है आइए सीधे जानते हैं। सर जी, प्रोग्राम रद्द करने के पीछे कारण क्या रहा? आज जो देश में हालात चल रहे हैं, हमारे जवान इतनी भारी तादाद में शहीद हुए हैं और आज ही धरती की आग भी तेज नहीं हुई है, और ऐसे माहौल में इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर गौर होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, जो काम है रोजमर्रा के वो होने चाहिए, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं कि कहीं जश्न जैसा कोई कार्यक्रम किया जा सके, इसलिए हमने रद्द किया। यहाँ के रहने वाले लोगों की रास्ते की जो दिक्कतें हैं, पानी की, गटर की और लाइट की, वो सारी चीज़ों को देखना था और उस चीज़ में देखा है, और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको हम निर्देश देंगे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सर, देखा जा रहा है कि दूसरी पार्टी के पक्ष लोग कहीं न कहीं श्रद्धांजलि के बहाने राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल इस मौके पर, ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासी पार्टी राजनीतिक दल से बड़ा देश होता है। जिस देश में हम रहते हैं, ये देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लाखों लोगों ने मिलकर देश को अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद करवाया। आज इस देश की सीमा की सुरक्षा के नाम पर सैकड़ों जवान शहीद हो रहे हैं, तो कम से कम ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और मोदी के नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज जो उनकी जिम्मेदारी है, 5 साल से वो सरकार में है, 2014 में हिंदुस्तान के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि हमारी 56 इंच की छाती है। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग उस 56 इंच की छाती को देखना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देश की कांग्रेस सहित जितने भी दल हैं सभी ने खुले तौर पर समर्थन दिया है, कहा है कि आप जो पाकिस्तान पर कार्रवाई करोगे हम आपके साथ हैं। तो आज इस सरकार को कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। 130 करोड़ जनता ये अब समझना चाहती है कि नरेंद्र मोदी की छाती कितनी बड़ी है। जब 130 करोड़ लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, विरोधी पक्ष के लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, किसने रोका है? अब लोग देखना चाहते हैं, अब लोग आश्वासन नहीं सुनना चाहते, अब भाषण नहीं सुनना चाहते, अब यकीन नहीं करना चाहते, वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारे देश के सैकड़ों जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादी और आतंकवादियों को समर्थन करने वाले संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। सर, जाते थे आखिरी सवाल, पिछले एक हिंदी अखबार के माध्यम से मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका नाम उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र से भेजा गया था, तो क्या आप लड़ने इच्छुक हैं? देखिए, आने वाले दिनों में देखेंगे, तय करेंगे, चुनाव और लड़ना न लड़ना बात की बात है। आज लोगों के सामने सबसे पहले इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की, देश का मान सम्मान और इस देश का आन बान शान कायम रहे, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी को करना चाहिए, क्योंकि देश से बड़े कोई पार्टी नहीं होती, कोई दल नहीं होता, ना सत्ता होती है ना कुर्सी होती है। देश की सत्ता कुर्सी इस देश की एकता अखंडता के लिए होनी चाहिए, जो जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कैसे मोहम्मद अरिफ नसीम खान जी जिन्होंने साफ कर दिया कि देश से बड़ा कोई नहीं होता है, और एक आक्रोश जो उनके मन के था कि सारी हमारी कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को पूर्ण से समर्थन दे दिया है कि आप जो करना चाहें कर सकते हो, अब देखना कि छपनी का छीना कहाँ है, ऐसा आरोप उन्होंने मोदी जी पे लगाया है। कैमरामैन मनोज यादव के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज।